तो इसमें जो ना अभी हम ऐसे करते हैं कि विंडो 8 के पेन ड्राइव लगाएंगे, ठीक है। ये कोयला मालूम अभी इसका जो ना ये पावर प्रेस करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जो ना सेटअप में इसको जो ना डायरेक्टली HP की जो भी मशीन है आपकी, डायरेक्टली जो ना F9 से जो ना बूट कमांड पे जाएगी। कोई भी मशीन है आपकी तो बूट कमांड जो ना आपकी जो बूट मेन्यू जो है वो आपका F9 से जाएगा। तो ऑन करेंगे पावर, ऑन करने के बाद F9 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे बूट मैनेजर हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि UEFI जो है ना इसका सिलेक्टेड मोड है। तो इसको हम जो ना लेगेसी मोड पे करेंगे, तब जो ना ये हमारी जो ना जो USB बूट है तो इससे ऑपरेट होगा। अभी जो है ना फिलहाल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, वो इसलिए शो नहीं कर रहा है कि लेगेसी मोड जो है ना हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट करेंगे, दोबारा से F2 F10 प्रेस करेंगे। F10 इसका सेटअप के लिए होता है, ठीक है। F10 प्रेस करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेटअप आ गया, ठीक है। इसमें जो है ना अभी आ जाएंगे बूट ऑप्शंस में। बूट ऑप्शन और ये देखें, इसमें आ जाएगा ये लेगेसी सपोर्ट है, ये UEFI है, ठीक है। तो इस पे हम इंटर करेंगे। ये अभी सब मोड सिलेक्टेड हैं लेकिन लेगेसी सपोर्ट जो है ना वो डिसेबल है। तो लेगेसी जो बूट जो है ना उसको हम लोगों ने अनेबल करना है, ठीक है। ये अनेबल हो जाएगा, तो इसको इंटर करेंगे, अनेबल हो जाएगा। इसको यस करेंगे, ठीक है। चेंजेस के लिए ये हमारा सिलेक्टेड, ये सारे सिलेक्ट आ गए, ठीक है। तो अभी इसको करेंगे F10 से सेव करेंगे और एग्ज़िट करेंगे, और अभी F9 प्रेस करेंगे बूट के लिए। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये कोड वगैरह आएगा। नई मशीनों में आते हैं तो आपने सेम ये कोड जो ना इंटर करना है। इसके बाद हमारे जो है ना बूटिंग शुरू कर देंगे सिस्टम। ये देखें, ये हमारा सिंपली 8, ये देखें हमारे पास जो शो हो रहा है, तो 8-1 और 4-1 प्लस इसको इंटर कर देंगे तो ये हमारी चेंजेस जो है ना ये सेव हो जाएगी। और अगेन प्रेस करेंगे F9 बूट के लिए। तो ये देखें, ये हमारा ये बूट मैनेजर के लिए UEFI है आपका। और जो कुछ मशीनों में यूनिवर्सल होता है, कुछ में अलग से सेलेक्ट करना पड़ता है। F10 अगेन करेंगे, चेक करेंगे F10, ठीक है। और बूट मेन्यू में जाएंगे इसका, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। OS जो है ना USB करेंगे, USB CD-ROM। फ्लैश हमारी डिसेबल है, फ्लैश देखें यहाँ पे शो नहीं हो रही है, इस वजह से हमारा ये बूट जो है ना ये हमारा काम नहीं कर रही है। तो अभी सिंपल हम क्या करेंगे इसके ऊपर, तो हम लोगों ने अभी ये देखिए लेगेसी मोड, ये यहाँ पे फ्लैश ड्राइव है, ये यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है, कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है। तो इसको हम लोगों ने कैसे यहाँ पे ऊपर लेके आएंगे तो ये जो है ना बूट करेगा। तो
तो इसके लिए हम जो है ना प्रेस करेंगे एक्स, ठीक है, एक्स प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे इंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अक्सर यहाँ पे साइड पे लिखा भी होता है आपका डॉन वगैरह जो है ना, यहाँ पे वैसे नहीं दिया हुआ है लेकिन इसका अक्सर जो है ना मशीनों में यहाँ पे दिया होता है कि आपने जो सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे एक्सप्रेस करोगे तो आपका ऑटोमेटिक बूट सिलेक्टेड हो जाएगा। तो हम सिंपल जो है ना अभी इसको देखें, यहाँ पे अभी एक्सप्रेस करेंगे,